छाबड़ा हार्डवेयर, प्लाईवुड एवं पेंट्स, बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने एक बार जरूर विजिट करें अथवा संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाले भगत सिंह चौक पर कल रात को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वागत में लगे पोस्टरों को फाड़ दिया गया था और रात को विवाद की स्थिति में निर्मित हुई थी। कोतवाली थाने की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला था और विवाद को ख़त्म कराया था। आपको बता दें, यह मुद्दा जैसे जैसे प्रदेश लेवल पर बड़े नेताओं के पास पहुँचा और यह चर्चा नेताओं की नगरी में पहुंची, वैसे वैसे इस विषय को लेकर कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी दिखाई दी। लेकिन आपको बता दें, ये मुद्दा दरअसल कोई राजनीतिक नहीं है। एक्चुअल में रात को जिन लोगों के पोस्टर फटे हैं और जिन लोगों से विवाद की स्थिति निर्मित हुई, उनके दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जिनके पोस्टर फटे हैं, इकबाल कुरैशी और अकरम जाटू और उनके साथी लोग, उनका ये कहना है कि कुछ लोग पास में जन्मदिन मना रहे थे और जन्मदिन मनाने के दौरान वे आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे और उन्होंने जानबूझकर पोस्टरों को फाड़ा है। इसी बात को लेकर अकरम जाटू और उनके साथीगण आज कोतवाली थाने पहुँचे। उन्होंने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके जिन्होंने पोस्टर फाड़े हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए, इस तरह की मांग को लेकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। आइए, उन्होंने क्या कहा और किस तरीके का यह पूरा मामला इस समय तूल पकड़ रहा है, आपको उनकी बात सुनाते हैं और जो लोग कोतवाली पहुंचे उनको भी आपको दिखाते हैं। अकरम भाई, कैसे आना हुआ? कल राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का रैली थी, मध्य प्रदेश के भोपाल से आरिफ मशीन उस यात्रा को लेके आ रहे थे यहाँ पर। तो उस यात्रा जब भगत सिंह चौक से जा रही थी तो वहाँ हमारे पोस्टर बैनर लगे हुए थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने रात में बैनर पोस्टर फाड़ दिए। आरिफ मान्य राहुल गांधी जी का फोटो भी था उसमें, आरिफ मशीन जी का था, कई राष्ट्रीय लेवल के नेताओं के फोटो थे उसके अंदर, और नारे जो है अपन अपनाजनिक नारे लगाए, गंदे नारे लगाए वहाँ पर, वो सब लोग धांधल कर रहे थे वहाँ पर। तो उसी टाइम सब भीड़ इकट्ठी हो गई, ना हमने समझाइश दे के समझाया उनको और वो लोग वहाँ से भाग गए थे। पुलिस आई जब तक कि वो लोग भाग चुके थे। अब वहाँ के फुटेज के आधार पर पुलिस उनको पकड़ के ला रही है और आज यहाँ मुकदमे का बुला है, उन पर मुकदमा कायम। ऐसे कौन कौन लोग दिखे आपको? नहीं, मेरा मतलब क्या है कि लोग तो वहीं के लोग थे ना, मतलब आस पास के आए हुए थे वहाँ पे, कोई जन्मदिन अवनदिन बना रहे थे। हाँ। भगत सिंह जी की मूर्ति है वहाँ पर, तो उसके साइड में खड़े रह के नाच कूद कर रहे थे, दारू पी के बम पटाखे फोड़ रहे थे और ऐसे फोड़ रहे थे कि आने आने वाले लोगों के ऊपर फेंक रहे थे बम पटाखे। अब वहाँ पर क्या हुआ कि विवाद की स्थिति कर दी, बैनर लगा हुआ था, बैनर निकाल के फाड़ के फेंक दिया, उस पर नाच रहे हैं, तो ये गलत काम है। भारत जोड़ने की बात कर रहा हूँ, ये कुछ असामाजिक तत्व है जो भारत तोड़ने की बात कर रहा है। हम चाहते प्रशासन से उनको लेके आए और गिरफ्तार करें। बिना पगड़ी के किराए पर ऑफिस, शोरूम सहित अन्य कार्यों के लिए दुकान लेने के लिए संपर्क करें महाकाल कृपा कॉम्प्लेक्स, इंदौर नाका खंडवा।